Hi guys, welcome to my channel again. I am in the terrace right now and capturing beautiful flowers, and I would like to talk to you on the topic that is silence. So what do you think silence is? There are at times, you know, we are so juggled and we are so struggling in life that we even don't know what we are doing. So silence is really, really necessary when you are in some phase of the life, or not only in some phase of the life. जब भी आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत हो गया, बहुत भाग दौड़ हो गया है, बहुत ज़्यादा noises create हो चुके हैं life में, so you need to put silence to certain limit. आप अगर I'm also putting this on YouTube, but आप अगर 24/7 social media पे लगे रहते हैं, आप पूरे time ये tension, वो tension, वो भाग वो दौड़, तो सारी भाग दौड़ से हटने के लिए it's very much necessary कि आप silence रखें. मौन व्रत का एक कंसेप्ट था, अगर आपको पता हो, और वो इसलिए होता था कि आप अपने विचारों को सीधा कर पाएँ, आप विचारों की उधेड़ बुन से निकल कर आप कुछ शांति दें अपने माइंड को. क्योंकि कंटिन्यूसली इफ़ यू स्पीक, कंटिन्यूसली आप बात करते हैं, और मे बी आप 10 लोगों से बात करते हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं, कभी हमें किसी पे गुस्सा आता है, कभी किसी पे रोष आता है, एंड समटाइम्स वी फील एंगर ऑन समवन, समटाइम्स वी फील लव ऑन समवन, सो मिक्स्ड फीलिंग्स कम्स इनटू आवर माइंड. सो साइलेंस इज़ वेरी मच नेसेसरी इन लाइफ. आप कुछ दिन अपने लिए ऐसे रखिए, लाइक इवन आई ऑल्सो कीप इट, कि कभी आप एब्सकॉन्ड हो जाइए सोशल मीडिया से, कभी आप 5 to 10 डेज का ब्रेक लीजिए, शांति से रहिए, घर में रहिए, पढ़िए, बुक्स पढ़िए, या काम भी करिए तो वर्क प्लेस पे ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, उतना बात करना है जितना व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, नॉट मोर देन दैट. सो आई थिंक दिस विल गिव यू एन इंसाइट इनटू व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड यू नो कुछ चीज़ें लाइफ में साइलेंटली भी करना चाहिए. ये भी सही ना कि सक्सेस शांति से दिखानी चाहिए लोगों को, तो अपना साइलेंस भी बरकरार रखिए और कुछ दिन अपने आप को दीजिए, कुछ दिन चुप रह के देखिए. आप जितना ज़्यादा बात करते हैं, जितना ज़्यादा डिस्कशन में पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा टेंशन्स आते हैं लाइफ में. टेंशन्स आते हैं इन द सेंस कि आपको फिर लगता है कि नहीं, इसने मुझे ये पॉइंट किया, उसने मुझे वो पॉइंट किया. सो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस बनाइए, अपनी लाइफ को बैलेंस बनाइए, एंड यू नो गिव सम टाइम टू योर सेल्फ थिंकिंग, एंड सम रिलैक्सेशन ऑफ माइंड. आप योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन करिए, और कम बोलिए, और उससे आपका एक आत्मचिंतन होगा, और जितना ज़्यादा आत्मचिंतन होगा, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं माइंड के वो ओपन होंगे, एंड यू विल गेट द सक्सेस. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगेन किसी ना किसी ऐसे ही टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम फिर मैं आने वाली हूँ. कीप ट्यूनिंग.